पुरुषों में हार्मोन्स एंड्रोजेन। इस हार्मोन का मुख्य काम पुरुषों में दाढ़ी आना, सेक्सुअल लाइफ, एग्रेसिव बिहेवियर, मसल्स बनाने जैसे शारीरिक और मानसिक बदलाव के लिए जिम्मेदार होता है। असंतुलन होने पर बॉडी में यह हार्मोन कम होने पर मसल्स बनने में कमी, स्पर्म बनने में कमी, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, अपोजिट सेक्स के प्रति रुचि में कमी और इनफर्टिलिटी जैसे लक्षण देखे जाते हैं। इंसुलिन, इसका मुख्य काम बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना है। यह ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ने से रोकता है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज की नॉर्मल मात्रा फास्टिंग में 70 से 100 तक और नॉन फास्टिंग में 140 डेसीमीटर तक होनी चाहिए। असंतुलित होने पर ब्लड में इंसुलिन कम होने पर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसका असर बॉडी के करीब सभी ऑर्गन्स पर पड़ता है। इसके संतुलन से घाव जल्दी नहीं भरते हैं, हाथ पैरों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, जल्दी जल्दी पेशाब आना, वजन घटना, भूख का काफ़ी कम हो जाना आदि इसके लक्षण हैं। थायराइड, यह हमारे गले में मौजूद एक ग्रंथि का नाम है। इससे निकलने वाले हार्मोन को थायराइड हार्मोन कहते हैं, जिसके नाम है T3, T4, TSH। TSH हमारे दिमाग में मौजूद पैट्रेटी ग्लैंड से निकलता है, जिसका काम T3 और T4 को कंट्रोल करना होता है। यह हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ रेगुलेट करता है। इस हार्मोन के असंतुलित होने पर विकास धीमा हो जाता है, यानी जो काम बच्चा 3 महीने की उम्र में करने लगता है वह 10 महीने में करता है। बड़ों में पांव फूलना, वजन बढ़ना, नॉर्मल तापमान में ठंड लगना जैसे लक्षण देखे जाते हैं। पैराथायराइड, यह भी गले में मौजूद होती है और इसका काम हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने का होता है। असंतुलित होने पर हड्डियां कमजोर हो जाएगी। यह बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है। इपाइनेफ्राइन या एड्रेनेलिन, इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। यह बॉडी में रिजर्व एनर्जी की तरह होता है। इसका काम अचानक आ जाने वाली परेशानी को हैंडल करने की ताकत देना होता है। यह शरीर में मौजूद मिनरल्स को मेंटेन करता है। असंतुलित होने पर इसके कुछ केस में मौत होने तक की आशंका रहती है। एड्रेनेलिन फेल्योर की कंडीशन में बीपी तेजी से गिरता है। हालांकि ऐसे केस कम ही देखने को मिलते हैं। If you need more information about health and see everything on our website, we have given a link on the description.